बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 3 मोशन एंड फोर्स लेक्चर नंबर 5 इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी के लिए हम देखेंगे। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो और यूनिफॉर्म उसकी वेलोसिटी हो, तो हमारे पास अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई हो और एंड फाइनल वेलोसिटी वी एफ हो, तो जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं वो हमारे पास इस तरह से होती हैं, vf इज इक्वल टू vi प्लस at, s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, एंड द एवरेज vf प्लस vi ओवर 2 इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। ये डिस्टेंस के बराबर हो। अब हमने देखना है कि ये कैसे अप्लाई होते हैं, किन सिचुएशंस में अप्लाई होती हैं इक्वेशंस, हाउ टू अप्लाई दीज इक्वेशंस इन प्रॉब्लम्स। सबसे पहली बात कि ये इक्वेशंस कहां पे वैलिड होंगी, जिनकी मोशन स्ट्रेट लाइन होगी या लीनियर मोशन होगी। स्ट्रेट लाइन या लीनियर का मतलब मैं आपको थोड़ा सा वाजह कर दूं कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन ये भी है, स्ट्रेट लाइन हमारे पास ये भी है। अब यहां पे लेट्स सपोज मैं वाई एक्सिस पे हमारे पास कोई बॉडी फॉल करवा दूं, सिर्फ एक ही एक्सिस यूज हो रहा हो, तो वहां पे ये इक्वेशंस यूज हो रही होंगी। लाइक अगर मैं वर्टिकली कोई बॉडी फेंकता हूं तो वो भी तो एक ही डायमेंशन में होगी, या अगर लीनियर कोई बॉडी जा रही है ये भी एक ही डायरेक्शन में होगी। तो हमारे पास सिंपल हम कह सकते हैं जो लीनियर हमारे पास इक्वेशंस हो या एक लीनियर मोशन हो, वहां पे ये इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज होंगी। यूजफुल ओनली फॉर लीनियर मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसकी दूसरी कंडीशन क्या है कि वो इक्वेशंस हमारे पास यूनिफॉर्म भी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी होनी चाहिए। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी होगा। तो उसके बाद व्हेन द ऑब्जेक्ट्स मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन डज नॉट चेंज। हम ये कहते हैं कि अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। जब डायरेक्शन ही चेंज ना हो तो वो वाली जो क्वांटिटीज वेक्टर होंगी उसको मैनिपुलेटेड एज अ स्केलर, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, इन सच केसेस ऑल वेक्टर्स कैन बी ट्रीटेड लाइक स्केलर। उनको हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, स्केलर के तौर पर, सिर्फ मैग्नीट्यूड के तौर पर। इस वजह से हम ये वाली जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो राइट डाउन करते हैं। अगर आपको इनमें से एक अहम बात बताऊं कि लेफ्ट साइड अप और राइट साइड, यहां पे आपके पास वेक्टर है, यहां पे स्केलर है, यहां पे स्केलर है, यहां पे आपके पास वेक्टर्स क्वांटिटी है, लेट्स सपोज, तो ये किस तरह से इक्वल होंगे वेक्टर और स्केलर के। ये सिर्फ एक ही सिचुएशन है जब हम इनको ट्रीटेड एज अ स्केलर करते हैं। और ये कब स्केलर के तौर पर ट्रीट करते हैं, जब ये स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही हो। तो इसका मतलब है ये इक्वेशंस जस्ट और जस्ट वैलिड कब होंगी, जब हम स्ट्रेट लाइन मोशन डिस्कस कर रहे होंगे। तो उसके बाद इन प्रॉब्लम हूज वेक्टर्स वेयर वेक्टर्स कैन बी ट्रीटेड लाइक स्केलर द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज टेकन एज पॉजिटिव। तो हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट आगे हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि अगर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हमने टेकन एज पॉजिटिव ली है, तो उसके अगर ऑपोजिटली मोशन होगी तो हम नेगेटिव ले रहे होंगे वेलोसिटी। अ नेगेटिव साइन इज अप्लाइड टू ऑल दोस क्वांटिटीज हुज डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो उसके क्या होगी, अगर ऑपोजिट होगी तो हम उसको उसका जो साइन होगा वेलोसिटी का वो नेगेटिव होगा। दीज इक्वेशंस can also be applied for free fall motion of bodies by acceleration a by g। अब ये सारी equation हम replace कर सकते हैं हमारे पास free fall equations of motion के लिए। Just हमने करना क्या है कि जहां भी a होगा हम replace कर देंगे g से, यहां भी a है ये इसको हमने g से replace कर दिया, हमारे पास a है हमने इसको replace कर दिया g से, यहां पे हमारे पास ये वाली इक्वेशंस होंगी, ये फ्रीली फॉल मोशंस कहलाता है, हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन भी कहलाती हैं। ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉल, तो आपने सिर्फ इन इक्वेशंस में ए को रिप्लेस कर देना है जी से और ये सारी राइट डाउन कर देनी अगेन। उसके बाद लास्ट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके हमने डेफिनेशन देखनी है। तो इन द एब्सेंस ऑफ एयर ऑल बॉडीज
फॉल फ्रीली। अगर हमारे पास फ्रिक्शन नहीं है तो हमारे पास कोई भी जो बॉडी होगी वो हमारे पास बिल्कुल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फॉल करी होगी। फ्रीली फॉल नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसको जो डिनोट किया जाता है वो जी से किया जाता है। और यही हमारे पास ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ भी बताती है। क्या उसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू मास होता है, ये फील्ड स्ट्रेंथ होती है। कोई भी बॉडी होती है वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फॉल करती है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।